हरियाणा में किसानों को लेकर राजनीतिक शोर बढ़ गया है। एक और जहां किसानों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस को ढोंगी बताकर उसका विरोध कर रही है। कुछ ऐसी ही विरोध की तस्वीरें फरीदाबाद से भी सामने आई है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूका। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 12 के लघु सचिवालय में इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं बीजेपी के जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस किसानों की आड़ में प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का मतलब होगा है, क्योंकि कांग्रेस भोले भाले किसानों को गुमराह कर रही है और गुमराह करके उसको आंदोलन करा रही है। देखिए, 500 से ज़्यादा हमारे भारतवर्ष में किसानों के संगठन हैं, और पंजाब में उनकी सरकार है, राजस्थान में उनकी सरकार है। उन भोले भालों किसानों को बहका कर भटका कर और जो राजनीति में हताश और निराश लोग हो चुके हैं, उनको साथ लेकर और उनके माध्यम से किसानों के कंधों पर बंदूक चलाने चाह रही है। कल ही आपने देखा, जो हमारे किसान यूनियन के जो नेता हैं, जो किसान यूनियन के सोकार नेता, जिन पर आरोप लगाया, अखबारों में छपी भी 10 करोड़ रुपये लेकर हरियाणा की सरकार को गिराने का एक षड्यंत्र कर रहे थे। वो कभी सुरदेवाला से मिल रहे थे, कभी किसी से मिल रहे थे, और उनकी यूनियन ने भी उनको इस बात का यूनियन के उससे प्लेटफार्म से भी बाहर करने की बात करी, और उनको जो मीटिंग्स में लाने के लिए बात करी, परंतु उस समय गुरुनाम सिंह चूनी ने माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। तो ये केवल किसानों को गुमराह करने की एक साजिश है, और कांग्रेस उसको उस पर अमली जमा पहना रही है, और कांग्रेस फंडिंग कर रही है। तो इसलिए हमने कहा, भाई कांग्रेस, ये किसान भोले भाले किसानों को गुमराह मत करो। ये देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसे जिसने किसान की आय को दुगना करने के लिए जब से 2014 में शपथ ली है, तब से उनका यही था कि गांव गरीब किसान का हम दुख दर्द दूर करेंगे। गरीब का दुख दर्द उन्होंने काफ़ी हद तक दर्द को दूर किया है, और वो किसान के दर्द को दूर करना चाह रहे हैं, और उसमें कांग्रेस उसमें रोड़ा बना रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के इस प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों की हितैषी होने का ढोंग कर रही है, कांग्रेस का मकसद सिर्फ राजनीति करना है। देखिए, उसमें किसान है, किसान वो कांग्रेस द्वारा प्रायोजित जो कांग्रेस पार्टियों से दूसरे अन्य अन्य दलों से वो उसमें इकट्ठे हुए हैं, ये पर्दाफाश हो चुका है। क्योंकि जब किसान हरियाणा किसान यूनियन के नेता अलग अलग रूप से अलग अलग नेताओं से गुपचुप मीटिंग कर रहे हैं, सांठगांठ कर रहे हैं, ऐसे और न जाने कितने लोग उसमें कर रहे हैं। ये योगेंद्र यादव नाम के एक को अब तो आप अपना आपको किसान नेता कह रहे हैं, वो कभी JNU में अपने बच्चों की फीस माफ़ी कराने पहुँचते हैं, कभी CA के विरोध में उसके समर्थन उसमें पहुँचते हैं, तो कभी आतंकवादियों को छुड़वाने की बात करते हैं, वो आज किसान नेता बन रहे हैं इस बात के लिए। यूं तो हरियाणा में किसान आंदोलन की शुरुआत से ही सियासत गर्मा गई है, लेकिन किसान नेता गुरनाम चड्डूनी पर आरोप लगाने के बाद मामले ने और अधिक तूल पकड़ लिया है। अब स्थिति ऐसी बन गई है कि बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। पंजाब केसरी TV चंडीगढ़ के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।